Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं रियलमी वालों की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन रियलमी C3 की। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रियलमी C3 की अनबॉक्सिंग की वीडियो, जहां पे मैंने आपको बताया गया था कि ये इम्पोर्ट किया गया सेट है और पाकिस्तानी मार्केट में ये सेट अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं किया गया। कुछ लोग जो है वीडियो का स्किप कर देते, इसलिए उनको पता नहीं चलता और काफ़ी लोगों ने मुझे उस वजह से नेगेटिव कमेंट किया गया कि ये बंदा गलत बता रहा है, इसने सही नहीं बताया। पाकिस्तानी मार्केट में जो वेरियंट आएगा वो किसी और स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने उस वीडियो के अंदर आपको ये नहीं बताया कि जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सेट लॉन्च होगा वो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ और बैक साइड पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। पर अगर मैंने जिस वेरियंट की अनबॉक्सिंग की है उसमें आपको एक कैमरा कम देखने को मिल रहा था और बैक साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिल रहा था। पर उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सेट है एक इंपोर्ट किया गया सेट है, पाकिस्तानी मार्केट में अभी ये सेट लॉन्च नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं अब आपको क्लियर आउट करने वाला हूँ कि जो सेट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है वो किन किन स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखने के लिए तो आपने ये करना है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मेरी तबीयत भी सही नहीं है, गला भी खराब है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। और वॉइस क्वालिटी सही ना आ रही हो आपको तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले Realme C3 के मैं डिस्प्ले की बात करना चाहूँगा, जो कि पाकिस्तानी वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पाकिस्तानी वेरिएंट के अंदर जो Realme C3 का डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की एक IPS डिस्प्ले वाली स्क्रीन देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अगर रेजोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 720p की यानी कि HD+ की एक स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलने वाली है। अगर बात करूँ इस फ़ोन की प्रोटेक्शन की तो यहाँ पे आपको कोरिंग रूला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। अब चलते हैं इस फोन के चिपसेट की तरफ। तो यहाँ पे आपको चिपसेट, जैसा कि पता है कि काफ़ी देर पहले से रूमर्स निकल के आ रहे थे कि यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो G70 देखने को मिलने वाला है, जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होने वाला है। CPU यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर देखने को मिलने वाला है। GPU की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो GPU देखने को मिलने वाला है वो माली G52 होने वाला है। अब यहाँ पे Realme वालों की तरफ से आ रहा था कि ये जो फ़ोन है एक बजट किंग किलर स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। यहाँ पे ये जो फ़ोन है खास तौर पे गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे बजट के रेंज के प्राइस टैग के अंदर आपको अच्छी से अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे अगर PUBG की बात करूँ तो PUBG जैसी गेम यहाँ पे आप हाई डेफिनेशन यानी HD के साथ स्मूथ पे इजिली रन कर सकते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर। तो आगे जाके बात करते हैं उस फ़ोन की जो फर्दर स्पेसिफिकेशन की और क्या प्राइस वगैरह रखी गई है, फ़ोन क्या वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बनता है या नहीं बनता। तो यहाँ पे अगर मैं OS की बात करूँ तो इस फ़ोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे रियलमी का लेटेस्ट UI आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डार्क मोड का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इस फोन के अंदर डार्क मोड के फीचर को भी इंजॉय कर सकती हैं। अगर वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक इसका वेरिएंट होगा 3GB की रैम 32GB की स्टोरेज के साथ, एक आएगा इसका 2GB की रैम 32GB की स्टोरेज के साथ और एक इसका वेरिएंट आएगा 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज के साथ। 3GB की रैम 32GB की स्टोरेज के साथ जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 20,000 आई है और यहाँ पे 4GB वाले वेरिएंट की बात करूँ तो 24,000 रखी गई है। अब यहाँ पे जो 4GB वाले वेरिएंट है, मेरे ख्याल से उसकी जो प्राइस थी वो 22,000 रखी जानी चाहिए थी, जहाँ के डिस्काउंट में इसको जो है 21,000 या 20,000 की प्राइस टैग के अंदर लोग बाय करते हैं, पर यहाँ पे 24,000 रखी गई है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ओवर प्राइस फोन है क्योंकि आपको रियलमी 5 जो है वो 24,000 की प्राइस टैग के अंदर डिस्काउंट में ईजिली जो है ऑफ एंड मार्केट से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अब प्राइस तो तभी कन्फर्म होगी जब ये लॉन्च होगा और इसकी लॉन्च डेट जो निकल के आई है वो 25th February है। तो 25th February इसके प्राइजेस वगैरह कन्फर्म हो जाएंगी और मैं आपको बता दूंगा कि इसकी जो प्राइस है वो क्या निकल के आई है। तो यहाँ पे आपको जो सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगी वो डुअल सिम की सपोर्ट होगी, जहाँ पे एट ए टाइम आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर कैमरास की बात करूँ तो बैक साइड पे यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है पाकिस्तानी वेरिएंट के अंदर, जहाँ पे आपको मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। प्राइमरी कैमरा यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो का देखने को मिलने वाला है और एक यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा डेप्थ सेंसर का देखने को मिलने वाला है। फ्रंट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो कैमरा प्रोवाइड किया गया है वो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। इसके साथ आपको जो चार्जर दिया गया है वो 10W का एक नॉर्मल चार्जर है। यहाँ पे आपको माइक्रो USB की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी बैक साइड पे, यहाँ पे आपको सिलिकॉन केस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप सरफेस वगैरह पे रखते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रैचेस वगैरह इस मोबाइल पे इजीली पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बैक साइड पे जो डिज़ाइन लगाया गया है, इस बारी जो डिज़ाइन का पैटर्न है वो काफ़ी पसंद आया मुझे। तो यही थी इस फोन की स्पेसिफिकेशन, प्राइस जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है 25th February को और तकरीबन 1 वीक बाद आपको जो है ऑफिशियली जो है ऑफलाइन मार्केट्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते का
इंतजार करना पड़ेगा और आप इसको अपने मोबाइल ले सकते हैं और हैंड जोन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसके प्राइस कंफर्म होगी तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ये फोन जो है वैल्यू फॉर डिवाइस मनी बनता है या नहीं बनता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे याद है मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू बल्कि अनबॉक्सिंग के साथ किसी न्यू टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।